हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको ब्लैक बक रिसॉर्ट लेकर के जाने वाली हूँ, जो कि बीदर में है, हैदराबाद से लगभग 3-3.5 घंटे के रास्ते पे है और बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। और यहाँ पे हम लोग एक नाइट स्टे करने वाले हैं, वन नाइट स्टे का है। और उस रिसॉर्ट पे कॉटेज बने हुए हैं जो आगे चल के मैं आप सबको दिखाऊंगी। और ये थोड़ा बहुत मैंने रास्ते का वीडियो लिया है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ बहुत शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच गए। मैंने रास्ते का ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है। ये देखिए, यहाँ से कच्चा रास्ता है, बिल्कुल लगभग बहुत ही पास हम लोग पहुँच चुके हैं रिसॉर्ट के। और ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोगों को कच्चे रास्ते से डिस्टेंस तय करना है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी, क्योंकि मैं अभी मई के महीने में आ रही हूँ। नहीं तो बारिश के समय में और विंटर सीज़न में हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। यहाँ समर सीज़न की वजह से इस तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे, घास, ये सब सूखे सूखे लग रहे होंगे आपको। बीदर कर्नाटका में आ जाता है। आप देखिए, हैदराबाद से 3.5 घंटे पे वीकेंड गेटवे के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। आप चाहे तो और 2-3 दिन यहाँ स्टे कर सकते हैं। और ये रिसॉर्ट का मेन गेट है। यहाँ से हम लोग रिसॉर्ट के अंदर गए और फिर हम लोगों ने कार पार्क किया था। तब तक 1:30 बज चुका था, 1:30 PM हो चुका था, क्योंकि 10:30 पे हम लोग घर से निकल चुके थे और ये लंच टाइम हो गया था। तो ऑफिस में सबने बोला कि पहले आप लंच कर लीजिए, क्योंकि लंच टाइम हो गया है, उसके बाद आप रूम में जाइएगा, कॉटेज में जाइएगा। तो ये हम लोग लंच करने के लिए यहाँ आए। ये वहाँ का डाइनिंग हॉल था जहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। और लंच करने के बाद फिर हम लोग कॉटेज की तरफ जाने लगे। ये देखिए, ये भैया हम लोगों का ट्रॉली बैग लेके जाने लगे। और ये देखिए कितना अच्छा, बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है। उसके पीछे लेक बना हुआ है और लेक के पास भी कॉटेजेस हैं। आप देखेंगे तो बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। और विंडो से भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ का। ये देखिए कितने खूबसूरत है ना ये। वैसे तो बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं हैदराबाद में, पर ये सिटी के बाहर है। और यहाँ पे क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंदर बना हुआ है, तो इसका एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम लोगों ने वन नाइट स्टे किया, वीकेंड पे आए थे हम लोग। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। देखिए बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारा कॉटेज, इसमें हम जाने लगे अंदर। कॉटेज बहुत ही अच्छा था। ये देखिए, इसके अंदर का मैं आप सबको दिखाऊंगी। ये इतना बड़ा रूम था और ये 2 बेड, ये इसे मेरी बेटी ने जंप कर करके ख़राब कर दिया। और ये देखिए, वुडन सीलिंग है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत है देखिए। और फैन भी है यहाँ पे, एसी भी लगा हुआ है। और ये एक पेंटिंग है, टीवी भी है देखने के लिए, बहुत ही सुंदर। ये देखिए बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। और ये एक अलग बेड भी है और एसी लगा हुआ था, फुल्ली एयर कंडीशन्ड था। बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पे आकर के, नीट एंड क्लीन था। और ये देखिए, ये बालकनी का है और यहाँ से इसका व्यू देखिए बाहर का। बाहर लेक है और मेरी बेटी खड़ी है यहाँ पे। ये देखिए, ये बाहर का व्यू है कॉटेज के अंदर का। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी था।
और ये वॉशरूम। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा है कॉटेज का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना फ्रेंड्स, ये देखिए। यहाँ लंच करने के बाद कॉटेज में हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटा रेस्ट किए, और उसके बाद 4:30 से 6:30 तक का टाइम था सफारी के लिए। तो पहले हम लोग सफारी करने के लिए गए थे, वहाँ पे इन लोगों का रिसॉर्ट वालों का ही पर्सनल जीप था, तो हम लोग वहाँ से गए थे और दिन में निकलने लगे थे सफारी के लिए। पहले ऑफिस तक पहुंचना था, इन लोगों ने बोला था कि शाम 4:30 तक पहुंचना है आप सबको, उसके बाद हम सब आपको सफारी के लिए लेकर के जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने इस बीच में भी वीडियो शूट कर लिया आप सबके साथ शेयर करने के लिए। आई होप आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए और फ्रेंड्स, ये कॉटेज देखिए बिल्कुल लेक के पास में है, बहुत ही आगे चल करके। और यहाँ पे हम लोग जीप के पास आ गए, और मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि हम लोग किस तरह से जाएंगे। बेटी भी बहुत एक्साइटेड थी मेरी कि हमें जाना है, और हम लोगों को यहाँ पे ब्लैक बक देखने के लिए जाना था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे, ये सब जगह नहीं होता है, यहीं पे है, और ये बिल्कुल खुले एरिया में है। और ये देखिए हम लोग जीप से जा रहे हैं, रास्ते में है, तो क्योंकि गर्मी का महीना है इसलिए पेड़ पे ज़्यादा पत्ते भी नहीं है। बारिश के समय में सफारी वाले भैया ने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरीज यहाँ पे होता है, ग्रासेस भी ग्रीन होता है यहाँ पे। और यहाँ पर थोड़ी दूर के लिए कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते से होकर के हमें जाना था। ये देखिए, और फाइनली हम लोग वहां पहुंच गए जहां पर ब्लैक बक्स होते हैं, चिंकारा होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फीमेल है, और जो मेल ब्लैक बक होता है उसमें बहुत ही बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, और जैसे जैसे उनका एज ग्रो करता है वैसे ब्लैक बक्स के कलर्स भी चेंज होते जाते हैं, उनका जो कलर है वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज होता है। जो फीमेल होती है उनमें हॉर्न्स नहीं होते हैं, सींग नहीं होता है, और जो मेल होते हैं ब्लैक बक्स उनमें बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं। आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, ये देखिए इनके बड़े बड़े हॉर्न्स हैं, ये देखिए बड़े हॉर्न्स वाले जो हैं वो मेल है, और जिनका हॉर्न नहीं है वो फीमेल है। ये देखिए ये जीप को देखते ही भागने लगे, दूसरी तरफ जाने लग गए, है ना बहुत ही प्यारे दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ बहुत ही एंजॉय किया, आप देखेंगे इनका कलर भी डिफरेंट है, तो जिनका एज ज्यादा है उनका कलर डार्क हो जाता है। ये देखिए, ये मैं आपको काफी पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मेल है, आप देखेंगे इनका कलर पूरी तरह से सेम नहीं है। और ये यहाँ पे खुले मैदान में ही रहते हैं, और ये किसी भी सीजन में ऐसे ही खेलते रहते हैं, चाहे सनी डेज हो, रेनी सीजन हो, समर सीजन, विंटर, सब में ये इसी तरह से रहते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, ये खुले मैदान में ही होते हैं। अभी यहाँ पे आपको ग्रासेस ग्रीन नजर नहीं आ रहे होंगे, पर ये रेनी सीजन में ग्रीन हो जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के लोग इनका बहुत ख्याल रखते हैं, इनका केयर वही करते हैं, देखिए
तो सफारी करके हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा। और ये देखिए इसका कलर, ये ब्लैकिश है, ये इसका एज ज़्यादा होगा। ये देखिए ये सब भागने लग गए, बहुत ही प्यारे थे ये। ये देखिए कितना बड़ा है ये ब्लैक बक, ये देखिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग जीप से नीचे उतरे और वीडियो शूट किए, घूमने लग गए। और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सनलाइट बिल्कुल आइस पे आ रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद हम लोग का स्नैक्स टाइम भी होने वाला था तो हम लोग जीप में बैठ के फिर वापस रिसॉर्ट चले गए। और ये देखिए शाम हो गई थी तब तक और सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, सनसेट हो रहा है तो इवनिंग का टाइम है। स्नैक्स और टी लेने के बाद हम फिर से अपने कॉटेज की तरफ जाने लग गए। ये देखिए ये इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स। इवनिंग में थोड़ी गर्मी कम हो गई थी पर पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। और फिर हमने सोचा कि बोटिंग पॉइंट पर भी जा कर के देखते हैं, तो हम तीनों लेक के पास आ गए। और यहाँ से भी बहुत ही अच्छा नज़ारा था, यहाँ पे बोट्स लगे हुए थे जो कि हमने नेक्स्ट मॉर्निंग किया। इवनिंग के टाइम पे बोटिंग का नहीं था तो मॉर्निंग में हम लोगों ने किया। पर थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और लेक देखने के बाद हम फिर से अपने कॉटेज की तरफ जाने लग गए। और लेक के पास भी एक कॉटेज था, ये देखिए ये बेहद खूबसूरत था। फिर कॉटेज में रेस्ट किए और फिर रात में हम लोग डिनर के लिए गए। और आप देख सकते हैं ये रात का व्यू है। मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था पर यहाँ पे लाइटिंग था तो हम चले गए। और यहाँ पे मंकीज भी बहुत ज़्यादा थे और वाइल्ड एनिमल्स यहाँ नहीं आते हैं, बस ज़्यादा लॉयन, लेपर्ड और टाइगर्स तो नहीं हैं पर वाइल्ड बोर्स हैं यहाँ पे जो कि आते हैं। और यहाँ पे मेन मंकी ही था तो हम फिर गए डिनर करने के लिए फिर से। और ये मॉर्निंग के टाइम का है तो मॉर्निंग के टाइम पे था 6:30 to 7:30 ट्रैकिंग के लिए जाना था, जो हमने सोचा कि नहीं जाएंगे क्योंकि बच्ची छोटी थी तो 6:30 पे उठना मुश्किल था। तो और 7:30 to 8:30 के टाइम था बोटिंग का तो हमने बोटिंग किया जो कि आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी। और फिर 8:30 के बाद से था हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। तो ये बोटिंग पे जाने से पहले मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया और हम लोग अंदर रिसॉर्ट में घूमने लग गए। और आप देख सकते हैं कि ये बेहद रोमांचित अनुभव था हम सबका, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो रिसॉर्ट पे हम घूमे थोड़ी देर के लिए बोटिंग पे जाने से पहले। ये देखिए ये पत्ते गिरे हुए थे तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये हम यहाँ पे आए हुए हैं कॉटेज से बाहर का देखने के लिए व्यू की कैसा है। ये देखिए और ये हम लोग बोटिंग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से लेक कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स। दूर में पहाड़ है ये देखिए। और यहाँ पे बोट्स लगे हुए थे, ये पैडल बोट था और लाइफ जैकेट भी यहाँ पे मिल रहा था तो हमने भी बोटिंग किया है। पानी भी बहुत ही ज़्यादा साफ था और लेक काफी गहरा था। और अब हम भी बोटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये पैडल बोट है तो बहुत ही अच्छा अनुभव है यहाँ का, पैडल बोट का भी अपना एक अच्छा अनुभव होता है। और ये देखिए हम तीनों यहाँ पे हम लोग पैडल भी चला रहे हैं और साथ में वीडियो भी शूट कर रहे हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए। और ये देखिए यहाँ
यहाँ पे लगभग हम सब आधा घंटा बोटिंग किए और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने का टाइम था तो ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए थे। मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो और ज़्यादा बोटिंग करना चाह रही थी कि कुछ टाइम और करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीलॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ब्लैकबक रिसॉर्ट में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए और एक अच्छे से वीलॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।